नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरुमंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरु गुरु। हमारे शो का क्या मकसद है? यही मकसद है कि आप सभी लोग खुश रहे, सलामत रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई दुख या कठिनाई ना आए। आज हम ऐसे ही एक विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हादसा या दुर्घटना। देखिए, हादसा या दुर्घटना पूछकर तो नहीं आती, और अक्सर हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई हादसा या दुर्घटना हो जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि एकदम से हमारे जीवन में क्या हो रहा है। तो आज हम यही जानेंगे कि क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को जरूर लाइक करें, वहां आप गुरुदेव से सवाल कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है वहां पर आप अपने सवाल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु घर में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, यानी कि पेट से संबंधित दिक्कत किसी को भी घर में बन सकती है, और रुपए पैसे को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज के दिन मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, कामकाज के लिए अच्छा दिन है, परंतु परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में कुछ कमी हो सकती है, जिसके कारण मन थोड़ा चिड़चिड़ा बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है, आपको कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई की तरफ मन आकर्षित होगा और अच्छी पढ़ाई रहेगी, और धन की स्थिरता भी घर पे बनी रहेगी। गुरुदेव, सबसे पहले सवाल इसी विषय पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर किसी से भी यहाँ पूछा जाए कि उसको सबसे ज्यादा भय डर किस बात का है, तो मुझे लगता है अधिकतर लोग कहेंगे कि हमें भय मौत का है। और दुर्घटना की अगर हम बात करते हैं, चाहे एक्सीडेंट एकदम से हो जाना या घर की चोरी हो जाना, लूट हो जाना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने या अपने घर के किसी सदस्य की जान खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुंडली में देखकर बताया जा सकता है कि क्या ऐसे लक्षण हैं हमारी कुंडली में कि मौत हमारे जीवन में लिखी है? बिल्कुल बेटा, मैं हर बार ही बोलता हूँ लगभग हर एपिसोड में कि इस दुनिया में कोई भी एक भी घटना ऐसी नहीं है जो कि इन ग्रहों के बिना होती हो, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। जन्म कुंडली के अंदर जिनके भी मंगल या राहु ये खराब अवस्था के अंदर होते हैं, उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ी ये संभावनाएं रहती हैं कि एक्सीडेंट होना और एक्सीडेंट होकर के मृत्यु तिलक कष्ट तक भी पहुंचना, क्योंकि जो जन्म कुंडली की सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर होती है मंगल और शनि, और जब इनका मेल होता है तो राहु अपने आप ही इनमें से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का एक चैप्टर भी है कि मंगल और शनि जब भी मिलेंगे तो वो राहु बनता है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब शनि, जिसने अचानक मौत देनी होती है, वो क्या करता है, ये हालात उत्पन्न करने से पहले वो कुछ घटनाएं अपने जीवन के अंदर घटित करने शुरू करता है जो कि शनि से ही रिलेटेड होती है। और वो क्या होती है, जैसे समय समय पर घर में बार बार किसी को खांसी लगना, खारिश होना, यानी कि एक के बाद दूसरे को या तीसरे को भी खारिश की दिक्कत आती है। ठीक है, तीसरा, जैसे ही कोई मकान से संबंधित कोई ना कोई बातचीत ऐसी शुरू होती है जीवन के अंदर कि जिसके अंदर उनको अपने हाथ से अपने मकान का सुख जाता हुआ महसूस होता है या किसी बिल्डिंग का सुख जाता हुआ महसूस होता है, ये स्थितियां जब उत्पन्न होने लगती हैं तो घर में एक आध शख्स ऐसा होता है जो बहुत ही आलसी हो जाता है। हर तरफ उसको एक ही चीज नजर आने लगती है कि दूसरा इंसान मेरी बात कर रहा है, दूसरा इंसान मेरे को टॉन्टिंग कर रहा है,
यानी कि कोई ना कोई घर का एक शख्स ऐसा होता है जो ये सारी चीजें उसके साथ में होने लगती हैं, और इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि खराब शनि हमारे घर में आ गया। इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कहीं अपने आसपास के माहौल में कि कोई एक बच्चा अपने खानदान में उठा, वो खानदान को अच्छे दिन दिखाने लगा, एकदम से वो तेजी से बढ़ा, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा, लेकिन जैसे मकान बनाया उसके बाद अचानक हादसा हो गया और किसी न किसी की जान पे भारी बन गया। ये आपको मैंने सिम्टम्स इसलिए बताए हैं क्योंकि अब मैं सबकी कुंडली तो देख नहीं सकता, पूरी दुनिया की कुंडली नहीं देख सकता, लेकिन दुनिया को ये तो समझा सकता हूं कि कौन सी अवस्थाएं, कौन सी सिचुएशनें ऐसी हैं जो आपके घर के अंदर वाकई में हादसे को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो अगर आप इन सिचुएशनों का ख्याल रखोगे बेटा तो बचाव संभव है। अब ऐसे में इमीडिएटली आपको एक अच्छे विद्वान से, जो वाकई में ज्योतिष का अच्छा जानकार हो, उसको ये कुंडली जाकर के दिखानी होती है। घर में किसी भी एक शख्स को दिखाओ और बस एक ही बात कह के पता करो कि कोई भी बड़ा हादसा या तकलीफ हमारे घर में तो नहीं आएगी, बस इतना देख के बता दीजिए, और आएगी तो उसका उपाय बता दीजिए। और आज हमारे पास लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवनों में इस तरह के हादसे या तकलीफ लिखे थे, लेकिन उपाय करके उन्होंने अपने आप को ठीक किया। वो ऐसा मेरे पास आते हैं लोग, कहते गुरु जी आपने कहा था कि एक्सीडेंट होगा, कहते एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, कहते लेकिन हमें ये यकीन नहीं आ रहा और देखने वालों को ये यकीन नहीं आ रहा कि हमें खर्च भी नहीं हो जाता। ये हमारे यहां आए दिन इस तरह के क्लाइंट आते हैं और वो आकर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो बेटा जब भी इस तरह के कोई हालात नजर आए, मैं उसका भी आपको उपाय बताता हूं। सबसे पहले इस तरह की कोई भी चीजों, चाहे शनि के हालात आप देखो चाहे मंगल के देखो, दोनों में से कोई भी हालात हो, सबसे पहले आपको वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर जल पूरा करना है। ये तो कॉमन उपाय है। फिर जो मैंने शनि वाले हालात बताए आपको, शनि वाले हालात के अंदर हर शनिवार को उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना, और हर रोज बड़ के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। अगर ये भी उपाय करते रहे तो बेटा बचाव हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि घर के अंदर तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 2-3 साल के लिए रुक जाओ, कोई जरूरी नहीं। और अगर मंगल वाले हालात उत्पन्न हो तो तब भी आपको वजन के 10वें हिस्से के पहले कच्चे कोयले जल प्रवाह करने, उसके बाद में एक मिट्टी का लोटा लेना है, उसके अंदर देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके जाके वीरान जमीन के अंदर दबा के आना है। घर के सब लोग चांदी की चेन अपने गले में धारण करनी शुरू करते हैं और एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के सब लोग अपनी जेब में रखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद में वो बड़ के पेड़ वाला उपाय, ये कॉमन ही है दोनों ही सिचुएशन में, कि बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, लेकिन जो दूध डालना होता है बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है, ठीक है, और पानी ज्यादा रहना चाहिए। ये एक ऐसे उपाय है बेटा, और ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो घरों में होने वाले अचानक हादसे को रोक सकते हैं। अगर इससे कुछ एक लोगों की भी वाकई में जान बचती है तो बेटा मैं अपने आपको धन्य समझूंगा। समझिए, खुश है बेटा। गुरुदेव, जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े जिज्ञासु होते हैं, इसलिए अक्सर सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन बड़े होकर के कई सवाल हमारे दिमाग में बस प्रश्न ही रह जाते हैं। ऐसा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अक्सर हम धार्मिक स्थलों पे जाते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, सच्चे दिल से जाते हैं, पर ऐसा क्यों हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है, गाड़ी खाई में गिर जाती है, और त्रासदी के बारे में तो सभी को पता है उत्तराखंड के, ऐसा क्यों होता है? वो लोग तो भगवान के दर्शन करने गए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मुहूर्तों की बात करते हैं, लेकिन मुहूर्त से भी ऊपर एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं चौकड़िया। और जो भी पंचांग है, कई बार तो कैलेंडर भी जो हमें मिलते हैं उसके अंदर भी चौकड़िया छपा हुआ होता है, और इसके बारे में मुझे ज्ञान कब हुआ था मैं तुम्हें बताता हूं। मैं बहुत छोटा था, 16 साल की मेरी उम्र थी, तो मैं स्पेशल तौर पर एक शादी पे गया, किसी गांव की शादी थी, तो वहां वो बारात भर के एक ट्रॉली के अंदर लेकर के जाने लगे, ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो सामने एक पंडित जी खड़े, कहते मूर्खो इतनी देर रुके हो, आधा घंटा और रुक जाओ, कहते नहीं रुके तो बारात का पता नहीं क्या होगा।
तो कोई नहीं सुनने वाला था। तो शादी के वक्त में तो वैसे ही इतने सारे लीडर होते हैं, वो सब एक ही बात आती है, चलो 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 चलो। तो बेटा वो बारात चल पड़ी। आगे जाके हुआ क्या, लड़की वालों के यहां जो उन्होंने अरेंजमेंट किया, उससे पहुंचने से पहले ही एक ट्रक ने ट्रॉली को टक्कर मारी और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। मुझे अब ठीक है, उनका जो दुख था छोटा भी था वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे को वो पंडित जी की बात याद है। उसको आकर के मैंने अपने गुरु जी से पूछा, मैं गुरु जी ये क्या था, मैं उस आदमी ने कई लोगों की मौत पहले ही प्रेडिक्ट कर दी, मैं ये ज्ञान कहां से आया, मैं ये क्या होता है। तो उस वक्त वो हंस पड़े, कहते थोड़े दिन ख्याल दे मेरी और थोड़े दिन टांगे दबा ले फिर बताता हूं। तो उस लालच में ही मैं, वह मेरे को याद है मैं एक हफ्ता ज्यादा रहा था अपने गुरु जी के यहां, तो उनको पता था मेरा सवाल क्या है और उन्हें पता ये भी था कि मैं जिद्दी कितना हूं, ठीक है। तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने बताया, कहते बेटा इधर आ। उन्होंने पंचांग खोल के मुझे दिखाया, कहते ये देखिए चौकड़िया है और इसके अंदर हर दिन के अंदर वो भी योग आता है कि जो लाभ का होता है, वो भी योग आता है जो अमृत का होता है, वो भी योग आता है जो काल का होता है, और वो भी योग आता है जो जल्दबाजी करके काम को खराब कर देता है, और वो भी योग आता है जिसके अंदर इंसान का काम तो होता है लेकिन बहुत लंबी लंबी मेहनत करने के बाद, इसको बोलते हैं चर लाभ अमृत उद्योग, ये उसके अंदर होते हैं योग, ठीक है। और शुभ भी आता है, तो जो शुभ कार्य होते हैं वो उसके शुभ, ये डेढ़ डेढ़ घंटे का पाठ होता है, हर डेढ़ घंटे के ऊपर दूसरा योग आता बेटा, और हर डेढ़ घंटे पे दूसरा योग आता है। तो अगर काल का योग चल रहा है, अगर उस वक्त के ऊपर आपने अगर सामूहिक लोगों को साथ में लेकर के कोई भी प्रक्रिया शुरू करी, तो उस वक्त में ये पूरा संभावना होती है कि कोई आकस्मिक विपत्ति ऐसी आएगी जो वाकई में काल बन के आएगी और काल के ग्रास कहीं पर बनना पड़ जाएगा। तो इस समय के अंदर इस तरह की सामूहिक चीज जब निकलती है तो यह हादसा होता है। इसलिए मैं आप सबको ये की बात बोलना चाहता हूं कि जब भी यात्रा पे निकलना हो, जब भी यात्रा पे निकलना हो, आप अपने फोन के अंदर अब ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है चौगड़िया। ये भी बहुत बड़ी फैसिलिटी आ गई है फोन में। तो चौगड़िया की ऐप डाउनलोड करके देखो, जब भी आपने कोई गाड़ी निकलवानी हो इंतजार करो शुभ लाभ और अमृत वेला में गाड़ी निकालो, कहीं सफर पे जाना हो शुभ लाभ अमृत वेला में निकलो, कहीं पर भी आपने कोई लड़का देखने जाना है, कोई लड़की देखने जाना है, आपने कोई अपने काम के लिए कोई नई योजना बनाने के लिए घर से निकलना है, किसी से खास मुलाकात करके बहुत कुछ पाने के लिए निकलना है, इसका अगर ख्याल रखोगे और अगर आप चर उदेगे और काल को अवॉइड करोगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। तो ये जो हादसे होते हैं, ये हादसे ये नहीं कि अब उनका, कई लोगों का सवाल क्या होता है, अब जितना ज्ञान है बेटा, कोई भी मूड तो है नहीं, जितना ज्ञान है उसके अनुसार बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन निकालता है इंसान। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये जो ज्योतिषी मूड बनाते हैं, और क्या सबकी कुंडली के अंदर मौत का योग था, सवाल भी वाजिब लगता है, कोई ये गलत नहीं लगता, लेकिन ये भी है कि एक समय ही ऐसा होता है कि जिसके अंदर वाकई में जो काम की शुरुआत करिए और जितने लोग उसके लिए निकले वो सब काल के ग्रास में बन सकते हैं। तो अगर इस चीज का ख्याल रखोगे कि काल के वक्त में ऐसी यात्रा या शुभ कार्यों के लिए इकट्ठे होकर के नहीं निकलोगे बेटा, तो पक्की बात है ऐसा हादसा नहीं होने वाला। और अगर इस वक्त में निकलते हैं तो फिर कुदरत की मर्जी है, वो कुछ भी घटित कर सकती है। बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों का दिन उत्तम है, आज हर तरह के सुख समाचारों की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका अच्छा साथ आज के दिन देगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत प्राप्त होगी। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अपने बड़ों की सलाह लेना ना भूले, वो जरूर ले, और जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है।
सिंह राशि। सिंह राशि वालों का आज के दिन में कामकाज के लिए तो योग बहुत अच्छा है, यानी कि कामकाज में अच्छी योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप उसको सार्थक बनाएंगे, परंतु परिवार से मिलने वाले सुख में कुछ कमी बन सकती है और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य में खराबी भी देखने को मिल सकती है और वाहन चलाते वक्त आज थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। कन्या राशि। आज कोई शुभ समाचार मिले विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण गुस्से की अधिकता बनी रहेगी और किसी न किसी से मनमुटाव की स्थिति तो बनना तय है। गुरुदेव धीरे धीरे कर आज गुरु मंत्र शो हमारा इतना बड़ा हो गया है कि आज देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ लोग हैं, दर्शक हैं, हमें इतने तमाम लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पे आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लाइव कॉलर बनना चाहते हैं, पर जो दर्शक आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्लीज माइक दे दीजिए, जो सवाल पूछना चाहते हैं गुरु जी से वो पूछ लीजिए। दर्शक गुरु जी खुश सुखी रहो। मेरा नाम सिमरन है और मैं मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे आई हूँ। हाँ बताओ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। उनकी DOB है 18 जुलाई 1983। समय? समय तो मुझे नहीं पता। ओके। और स्थान? स्थान जोधपुर राजस्थान। क्या जानना चाहती हूँ बेटा? सो उनकी लाइफ में मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि 3 बार वो मतलब मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं, अभी भी 3 साल से वो बेड पे हैं, तीनों बार ही वो मतलब मौत को मात दे के लौट के आए हैं, अभी भी 3 साल से बेड पे ही हैं। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो खड़े। कुदरती बात है कि अभी हमने जो शुरुआत करी है वो मौत मृत्यु को लेकर से ही करी है, और उसके अंदर मैंने 2 ही ग्रह जिम्मेवार बताए थे, एक मंगल एक शनि। और तुम हमारे संस्थान पे जाना बेटा, वो तुम्हें एग्जैक्ट टाइम भी निकाल के देंगे कि ये कितने बजे पैदा हुए थे, उनकी तुम्हारी सिचुएशन के हालात से, ठीक है? और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आप हमारे यहाँ नीचे आकर के किसी भी आचार्य को बोल के इनका टाइम भी क्लियर कर सकते हो। नंबर एक, इनकी कुंडली के अंदर बेटा शनिदेव की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर है, शनिदेव की 3री, 7वीं, 8वीं और 10वीं दृष्टि हुआ करती है, ये 4 दृष्टि होती है, और जिसमें की 10वीं दृष्टि पूर्ण रूप से मंगल के ऊपर है इनकी कुंडली के अंदर। और ये शनि और मंगल इकट्ठे होकर राहु बन गए। मैंने अभी बताया था कि जब भी शनि और मंगल इकट्ठे होते हैं तो राहु बन जाते हैं, राहु हादसों का कारक बन जाता है। तो ये तुम्हारे पति की कुंडली के अंदर साफ तौर पर नजर आ गया बेटा, और ये जब हादसा हुआ होगा उस वक्त में तुम्हारे घर पे कोई ना कोई तोड़फोड़ हुई होगी, या तुम्हारे ससुराल वालों ने कोई ना कोई तोड़फोड़ करवाई होगी, या कोई लोहा खरीद के लाए होंगे, उस वक्त में ये हालात पैदा हुए होंगे। तो अब ऐसे अवस्था के अंदर तुम्हें जो उपाय करना है, सबसे पहले उनके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर जल प्रवाह करो। दूसरा, 43 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के किसी भी मंदिर के अंदर देना शुरू कर दो, ठीक है? ये उपाय किया। और एक उपाय और करना, यहां पर बुध को भी काबू रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो भिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़क जाता है, कुछ भी हालात बनाता है। तो इसके लिए तांबे का छेद वाला पैसा लेके सफेद रंग के धागे में पिरो के बेटा इनके गले के अंदर डाल दो, और एक घर पे कुत्ता पाल दो। ये 2 भाई हैं तो 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, ठीक है बेटा? तो कुत्ता पालना बेहद जरूरी है, अगर कुत्ता पालोगी तो भविष्य में जब भी कभी इनके एक्सीडेंट का समय आएगा पहले कुत्ते के ऊपर आफत आ जाएगी, और वहीं समझ जाना कि इस वक्त में बुरा समय चल रहा है, ठीक है? और फौरन यही उपाय दोबारा रिपीट कर देना, ठीक है? बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है चेतन राणा जो कि अलीगढ़ से है। इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि समय और स्थान बता दीजिए, अपने सवाल कर लीजिए। गुरु जी, मेरा जन्म अपर जिला अलीगढ़ का है, जिला आदर्श, और मेरा जन्म 9/12/79 का है, दिन शनिवार। गुरु जी, मैंने नया अपर व्यापार खोला है, मैं मेडिसिन का, और अभी सही से मेडिसिन का लाइन पे नहीं आ रहा, किस तरह कब तक आ जाएगा और किस तरह का चल रहा है बताओ। इनकी कुंडली के अंदर काम के बहुत अच्छे योग है, और अच्छी कमाई के योग भी इनकी कुंडली के अंदर काफी बैठे हैं, लेकिन अभी तुमने क्या क्या है फार्मेसी खोली जी भाई, यही आके मामला खराब हो गया। और वो क्यों हो गया? क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर एक योग है, कहता है जब तक तेरे काम में रोज कम से कम
25 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक का घूमना फिरना नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। दूसरा एक और योग खराब है और वो योग है कि केतु की दृष्टि मंगल और बृहस्पति के ऊपर, जो कि खर्चों को बढ़ा के रखती है, भाई या दोस्त और जो बिजनेस पार्टनर होते हैं उनकी तरफ से जो सुख मिले होते हैं उनको खराब करती है और घर के अंदर की सुख शांति को भी बिगाड़ने का काम करती है ये। और आदमी सिर्फ खाली जेब रईस बन के रह जाता है, जब भी प्रॉपर्टी बनाने लगता है तब खासतौर पर मुसीबत आती है। तो इनके उपाय पहले करने बेटा, और वो उपाय क्या है? सबसे पहले काला सफेद कंबल लेकर के, छोटे वाला ले ले जो बच्चे वाला होता है, अपने सर से 7 बार उठा के उसे विराम जमीन में दबाए, लेकिन 27 शनिवार दबाए। और दूसरा उपाय, बुधवार की रात्रि को या सोमवार की रात्रि को चने की दाल पानी में भिगो दे और सुबह उठ करके उसको पीस के उसका हलवा बनाना है चने की दाल का, और वो मंदिर चढ़ा करके बांटना। ये हर मंगलवार को बांटे या हर बृहस्पतिवार को बांटे, ये लगातार करते रहे। और तीसरा उपाय है 43 दिन 60 ग्राम सुरमा, साबुत सुरमा लेके घास वाली जमीन में दबाना। मात्र ये तीन उपाय करना इनके कामकाज को भी अच्छा कर देगा। ये मेरे फार्मेसी भले ही खोली है लेकिन उसके बाद अपने आप कोई एक और काम आकर के ऐसा जुड़ेगा जिसके अंदर घूमना फिरना बहुत होगा, और जिस दिन ये घूमने फिरने वाले हालात बन जाए समझ लेना अब तुम बहुत अमीर होने वाले हो। ठीक है, खुश रहे दादा। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा वो जान लेते हैं। तुला राशि वाले अगर आज के दिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के चलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी हर तरह से दिन बहुत उत्तम है। आज आपको किसी परिचित व्यक्ति से धन लाभ भी हासिल होगा, अच्छे सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर चलते हैं, अपनी वाणी पर अगर संयम रख के चलते हैं तो दिन उत्तम होगा। फिर परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा, बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जिसमें कि हर कार्य की सफलता आज के दिन आपको मिलेगी, परंतु मन को काबू में रखें, काम खाने के मन मुटाव पैदा हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, भाई बंधुओं से किसी न किसी प्रकार को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं। आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ न कुछ चिंता मन में बनी रहेगी और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको भी परिणाम आशानुरूप प्राप्त होते दिखाई नहीं दे रहे और शरीर में आलस्य की प्रभावता रहेगी। गुरुदेव, आज हम दुर्घटना की बात कर रहे हैं, हादसे की बात कर रहे हैं, मौत की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे दुर्घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो व्यक्ति तो महफूज रहता है पर उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है वो घटना कि भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा। ऐसा कैसे होता है, इसका कुंडली से कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने पिछले दिनों के अंदर भी इसके ऊपर एक एपिसोड किया था कि जन्म कुंडली के अंदर एक योग होता है कि शुक्र और केतु छठे घर में बैठे हों और चंद्र मंगल जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठे हों। ये एक ऐसा योग है कि जिसके अंदर सामूहिक परिवार यानी कि इकट्ठे होकर पूरा परिवार एक गाड़ी में चलता है, आदमी स्वयं बच जाता है पूरा परिवार खत्म होता है, या फिर एक घर का बच्चा बच जाता है बाकी सब खत्म हो जाता है। ये कुदरत ने पहले से ही लिख के डाला था। ये वर्षफल में भी ऐसे ही हो जाता है केवल कि पीछे से केतु की दृष्टि चंद्र और मंगल के ऊपर इकट्ठी पड़ गई तो उस साल के अंदर स्पेशली समझिए ये योग बन जाता है कि इसमें अगर परिवार इकट्ठा होकर गया तो एक्सीडेंट होगा। ऐसा आम लोगों के साथ होता है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट इस बात को जानते भी है बेटा कि हम जब गुरु जी के पास गए थे तो गुरु जी ने पहले स्ट्रिक्टली ये मना किया था कि पूरे परिवार ने कभी भी एक ही गाड़ी के अंदर सफर नहीं करना। अगर आप उस घर के 5 सदस्य हैं तो 2 एक गाड़ी में जाओ, 3 एक गाड़ी में जाओ, क्योंकि ये योग भी तभी तैयार होता है जब सारे परिवार आके बैठ जाते हैं। ठीक है, वैसे नहीं बनता। ठीक है, जिनके साथ में ये, और कई लोगों को मैं ये भी कह देता हूं कि बेटा इस साल किसी भी तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना, वो भी मना करता हूं। और वो मना क्यों करता हूं, जब भी जन्म कुंडली के 12वें घर में और 8वें घर के अंदर आपस में दुश्मन ग्रह वर्षफल के अंदर भी इकट्ठे हो जाते हैं और मल्टीपल हो जाते हैं और दूसरा घर खाली होता है तो उस साल मैं स्ट्रिक्टली तौर पे मना कर देता हूं कि इस साल आपको तीर्थ यात्रा पे बिल्कुल नहीं जाना और पूरे परिवार के साथ नहीं जाना, क्योंकि तब भी हादसे के बहुत बड़े चांसेस होते हैं।
ठीक है। तो रजे ये मैंने कहा कि इस धरती पर एक भी चीज कोई ऐसी नहीं है जो ये ग्रह न चलाते हो। वो बात अलग है कि जाने अनजाने या इस ज्ञान को ना पहचानने के कारण हम ही सिर्फ एक समझदार बन के सवाल तो फेंकते रहते लेकिन जवाब ना हमें पता है ना जिनसे मांग रहे उनको पता है। तो हमारे ही ज्ञान की कमी के कारण तो ये हो सकता है कि ये सारे सवाल जवाब और ये सारी सिचुएशनें पैदा होती है लेकिन ज्ञान बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट है। अब ये साइंस ऐसी है सही मायने में तो बेटा इसके कॉलेज खुलने चाहिए और जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई करने के लिए बच्चे को कम से कम 5 से 7 साल का कोर्स बनाना चाहिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टरी है। जो इसको कर लेता है वो अपने जिंदगी के दुखों को बड़ी आराम से निकाल के अलग रख सकता है। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी परिवार है, सब भाई बहन है, सब कुछ है, मेरे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मेरा कुंबा भी है लेकिन मैं सुखी हर तरफ से हूं पर दुखी एक ही चीज से हूं कि जब मैं आराम के मूड में होता हूं तो सारे कुंडली लेके आ जाते सिर्फ एक बात से दुखी हूं और कोई मेरे को दुख नहीं दिया। ठीक है तो बेटा आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले जिसके पास जाना है पहले उससे एक क्वेरी करो कि तुम्हारे घर वालों ने कौन कौन से उपाय किए हुए हैं और जिस पंडित जी के घर वालों ने उपाय ना किए हो उससे उपाय बिल्कुल नहीं लगे और जो स्वयं अपने घर वालों को भी उपाय करवाते हो बेटा उनसे उपाय जरूर ले लेना क्योंकि वो वाकई में ज्ञानी होगा। ठीक है तो इस तरह के बेटा कायदों को जानो, अपनी बुद्धि से हालात को पहचानो, सही ज्ञान के पास जाओ, आपके पास से जिंदगी की गर्म हवाएं वैसे ही दूर रहेंगी और जिंदगी बहुत ही सुखमय कटेगी। ठीक है शुक्रिया गुरुदेव। क्या कोई और सवाल करना चाहता जी? प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरु जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती थी, वो जॉब करते हैं और उनकी सैलरी इतनी कम है कि घर का गुजारा भी नहीं हो पाता उससे। टाइम बताओ बेटा। 19 अप्रैल 1970। ठीक है और समय? समय 12:01 के बीच में है गुरु जी। दोपहर को? रात को। कहाँ का जन्म है बेटा? मानसर पंजाब। ठीक है। ये भी अकेले हैं या 3-4 भाई हैं? 3 भाई हैं गुरु जी, 2 बहनें हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा। इनका समय रात्रि को 00:15 पे है यानी कि 12:15 का। ठीक है ओके। और ये जो योग है बेटा ये रियलिटी में जीवन के अंदर इतने ज्यादा खर्चे लगा के रखता है बीमारियों पे, बेकार की मुसीबतों के ऊपर जिनके अंदर मतलब ही नहीं कि घर के अंदर पैसा बच जाए। और ऐसे में इंसान को एक और आदत होती है जब राहु दूसरे घर में होता है, ये मैं उसकी बात बता रहा हूं, कि आदमी को धार्मिक संस्थानों में लोगों की भलाई के लिए पैसा भी वो खर्च करने की पूरी कोशिश करता है और केतु देव अष्टम भाव में बैठे भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों को खराब कर रहे होते हैं। इसकी वजह से बेटा पैसे खराब होते हैं, पैसा बचता नहीं है, घर में बीमारियों के योग भी बनते हैं और जिंदगी के अंदर अप डाउन वाले हालात भी बनते हैं। तो इसके लिए उपाय, सबसे पहले एक चांदी की ठोस गोली लेकर के चांदी के पिंजरे में डलवा के इनके गले में डाल दो। घर के अंदर भूल के भी पश्चिम की तरफ रसोई नहीं होनी चाहिए, अगर पश्चिम की तरफ रसोई होगी तो जिंदगी के अंदर पैसा एक दिन भी जमा नहीं होगा। और तीसरा, चाहे मंदिर जाए चाहे गुरुद्वारे में जाए, वहां जाके सिर्फ फूल चढ़ा सकते हैं और आते हुए प्रसाद जरूर लेकर के आना है, समझे, और कुछ फालतू नहीं चढ़ाना। और चौथा, साल में जब मौका मिले एक काला सफेद कंबल लिया वो लेके अपने सर से 7 बार उतारा और मंदिर के अंदर देते रहे और कान छिदवा करके सोना पहनना और हर रोज केसरा का तिलक नाभि से बाल माथे पर लगाना, ये करके हर शनिवार को उड़द साबुन को सरसों का तेल लगा के दान देते रहो। मात्र इतने से उपाय करके देख बेटा, इसकी कुंडली इतनी भी अच्छी है कि आने वाले समय में ये अपना ही काम शुरू करके और बहुत ही अच्छी बुलंदी पे जाएगा। कुछ और भी दर्शक है जो सवाल करना चाहते हैं गुरुदेव? जय माता दी। कुछ जय माता दी बेटा। मेरा नाम रविंदर है, अपने करियर के बारे में जानना है। 29 अप्रैल 1980 मंगलवार सुबह 7 बजे। कहाँ का जन्म है बेटा? दिल्ली का। पिछले 3 साल में 6 ऑफिस चेंज हो चुके हैं और 3 बार में दिल्ली से बाहर भी होया हूँ लेकिन नहीं सेटअप बन पा रहा। शादी हो गई? हाँ जी, 4 साल हो गए शादी। पसंद से हुई कि घर वालों को पसंद? नहीं, पसंद से करिए। हाँ इसलिए पूछा था।
ये जितने भी लव मैरिज करने वाले हैं ना, इनका काम ही स्थिर नहीं होता। उसका एक कारण है बेटा, जन्म कुंडली के अंदर पांचवा घर जब एक्टिव होता है, पांचवा घर प्यार भी करवाता है और इंसान को एम्बिशियस बनाता है कि उसको कुछ और अच्छा करना है, उसको कुछ और अच्छा करना है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर तो कोई सॉलिड ग्रह, ठहराव वाला ग्रह बैठा हुआ है तो वो इंसान कामयाब हो जाता है, नहीं तो उसकी अपनी ही इरिटेशन बाप के साथ विचार नहीं मिलने देती, कामकाज की जगह पर चिड़चिड़ापन और जल्दबाजी के चक्कर में उदास होकर के अपने आप ही खराब हालात पैदा होते हैं। ठीक है भैया जी, तुम्हारे इस ग्रह को मैं आज हटाने लगा हूं, तुम्हारी कुंडली में नौकरी के बहुत शानदार योग है बेटा, और वाकई में तुम बहुत अच्छी जगह पे नौकरी पा सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन इन उपायों के बाद। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले तुम्हें 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम लेने हैं, वो मंदिर में चढ़ाने हैं और आते हुए वापस प्रणाम करके 4 वापस उठा लाने और घर ला करके लोहे के डिब्बे में डाल के घर के अंधेरी जगह पे उसे रखते रहो। 43 दिन इस प्रकार से करने के बाद में उसको ढक्कन बंद करके डिब्बे को अंधेरी जगह पे रहने दो और 1 साल तक अपने घर पे रहने दो। 1 साल बाद उसको उठा करके जाके जल प्रवाह कर दो और डिब्बा भी बाहर उठा करना। ठीक है, इसके तुम्हें बहुत फायदे होंगे। एक तो पुत्र का सुख मिलेगा, पिता के साथ जो विचार नहीं मिलते उसके अंदर भी अच्छा पना आ जाएगा, चिड़चिड़ापन चला जाएगा और नौकरी स्टेबल हो जाएगी, एक ही उपाय से। दूसरा उपाय एक और, नौकरी को बहुत अच्छा करने के लिए बेटा शमशान घाट के अंदर हर 2-4 साल में एक बार प्याऊ लगवा दिया करना, चाहे ठंडे पानी की मशीन लगवा दो या किसी और रूप में प्याऊ लगवा दो, लेकिन दूध और पानी का दान तुम जिंदगी में कभी मत करना सार्वजनिक रूप से, लोगों के लिए नल कुआं वगैरह लगवाना या कुछ भी इस तरह का, या ऐसे ही भक्ति भाव में भक्तों को बहुत सारा पानी बंटवा देना, दूध बंटवा देना, तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, और पत्नी के साथ लड़ाई ना हो और जिसके पूरे सिम्टम्स लिखे हुए हैं उसके लिए हर रविवार को कांच के मर्तबान के अंदर लाल फिटकरी भर के कांच का ढक्कन लगा के उसे जल प्रवाह करते रहो। ठीक है, और ये कम से कम 43 हफ्ते करना है। इतने उपाय कर दे बेटा, जिंदगी भर सुखी रहेगा और जितना बड़ा सूफी रहेगा, ऐबों से परे रहेगा, जिंदगी के अंदर उतने ही सुखों को भोगेगा। और जितने ऐब तेरे पास आ जाएंगे और खास तौर पे अगर ध्यान भटकने वाले जैसे अगर तेरे हालात बन गए तो बेटा जिंदगी में उतने ही बड़े दुख भोगेगा। ठीक है, तुम्हारी कुंडली की ये शर्त है, तो इन उपायों को करो, सदा सुखी रहो। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर वकर कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले अगर आज के दिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम है, पारिवारिक सुख काफी अच्छा हासिल होगा, शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी और जो भी काम करेंगे उसी में आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है, हाँ कामकाज में अच्छी गंभीरता और एकाग्रता दिखाते हुए उसके अंदर तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, परंतु परिवार के सुख में भी कमी महसूस होने का दिन है, पेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार की तकलीफ की संभावना है और अगर आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं तो बहुत संभल के जाइएगा क्योंकि हल्के फुल्के एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले आज अपने धन के खर्चे से तो दुखी हो सकते हैं, वरना हर तरह से दिन उत्तम है, परिवार का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा, आपके मन में नया उत्साह और जोश दिखाई देगा, स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता ये नजर आएगी जिसके कारण कामों की सफलता लगभग तय है। कई लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। खुश है बेटा। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1985। ठीक है, और समय है 2:55 दोपहर के और गाजियाबाद का जन्म है। क्या सवाल है आपका? गुरुजी मेरी ना तो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है और मेरे कोर्ट कचहरी का चक्कर ना प्रॉपर्टी का पड़ा हुआ है और इल्जाम बहुत लग रहे हैं कि मतलब बहुत अजीब इल्जाम लग रहे हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम्हारी माँ की सेहत का क्या हाल है और उनकी आंखों का क्या हाल है? गुरुजी उनकी तो कंडीशन इतनी वर्स्ट है कि वो 2012 से आगरा एडमिट हो रही है हर साल 3 महीने को। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये जितने दुख तेरी माँ को लिखे हैं उतने ही ज्यादा दुख तेरी अपनी जिंदगी में लिखे हैं और ये योग इतना बुरा है, तेरे पति, तेरी प्रोफेशनल लाइफ, पैसे के हालात, शारीरिक जोश, ये सारा तेरे को बदनाम करने के लिए आएगा, समझे? और ये हालात तेरे अंदर क्योंकि डेडिकेशन बड़ी गजब की है, वो एक कहावत है ना, मछली पत्थर चाट के वापस आती है,
इतनी ताकत है कि जिस काम के पीछे पड़ करके छोड़ेगी, या हो या ना हो, समझे। ये वाले हालात तेरे और ऊपर से राहु पांचवें स्थान का, शनि के ऊपर दृष्टि, ये भी दिमाग को इतना तेज और तीक्ष्ण बनाता है कि इंसान अपने आप को खड़ा करने के लिए सब कुछ करता है लेकिन लाभ नहीं मिलता। इससे बचने के उपाय, सबसे पहला उपाय, अगर तुम्हारा घर इस तरह से लंबा होगा तो तू जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगी, और अगर चकोर होगा मकान तो जिंदगी में सुख की कामना तो कर सकती है। एक तो ये नंबर, तो 7 नंबर के मकान में जिंदगी के अंदर कभी नहीं रहना। 7 नंबर का मकान तेरे को जहर समान लगेगा बेटा, ठीक है, जिसका टोटल 7 आए, ठीक है। तीसरा, अब अनार का पेड़ तुम्हारे घर के आसपास कहीं नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रख के चलना। और उपाय क्या है, उपाय है 43 दिन लगातार ट्यूबवेल की रेत लेकर के पहले वो मंदिर में दो। दूसरा उपाय, घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पत्रा पूरा लगाना है, जितनी बड़ी दहलीज है उसके ऊपर चांदी का पत्रा लगाना है। और उसके बाद में वो उपाय है, खट्टी मीठी चाट इमली डाल के ये तुम्हें हर शुक्रवार को बनानी है, बना करके लोगों में बांटनी है, एक ये उपाय। और तेरे अपने वजन के बराबर चावल लेकर के वो घर के अंदर रखने हैं, और 43 दिन लगातार सतनाजा दान देना है, और सतनाजे के अंदर बाकी अनाज तुझे पता है बेटा, लेकिन गेहूं की जगह तुम्हें सिर्फ बाजरा डालना है, ठीक है। ये करके बेटा, ये कर दे, परमात्मा की दया से तेरी ये सारी प्रॉब्लमें खत्म हो जाएंगी। और शनि के दान ज्यादा करने की जरूरत नहीं, शनि की बजाय अपने घर पे किसी पंडित जी को बुला के एक कुंभ, और रोज सुबह घर से निकलने से पहले अपना माथा उनके ऊपर लगा के प्रणाम करके तब घर से निकलना शुरू कर, तेरे दुख अपने आप दूर चले जाएंगे, ठीक है। खुश रहे माता। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप लोग सलामत रहें, सुखी रहें, और सबसे जरूरी सुरक्षित रहें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार दुर्घटनाओं से, हादसों से दूर रहे, उसके लिए जो गुरुदेव ने उपाय बताए हैं वो जरूर कीजिए। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को राह दिखाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश रहे, बच्चे रहे। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।